जैसे एकादशी की कथा होती है वैसे द्वादशी की महिमा भी एक बहुत महत्वपूर्ण कथा है। कैसी कथा? बिल्कुल सही समय पे आई हो आप, क्योंकि आपको ये कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। मुझे क्यों? पहले सुन तो लियो, फिर स्वयं ही पता चल जाएगा। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करते थे, राजा अम्बरीश। भगवान श्री हरि के बहुत बड़े भक्त थे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। नेक पुण्य के काम करते थे वो, अपनी पत्नी के साथ रेखा नाम जपते रहते थे। उन्होंने 12 माह एकादशी का व्रत करो निर्जल पास कियो, और जब उनकी 12वीं एकादशी का व्रत द्वादशी के दिन तोड़ने का समय हुआ, तभी महर्षि दुर्वासा अपने 100 शिष्यों के साथ उनके महल में पधारे। प्रणाम स्वीकार करें महर्षि। आप जैसे महान ऋषि मेरे राज्यसभा में आए, वो भी ऐसे अवसर पर जब मैं और मेरी पत्नी निरंतर 12 एकादशियों के बाद अंतिम एकादशी का व्रत तोड़ेंगे। इससे बड़े सौभाग्य की क्या बात हो सकती है हमारे लिए? आज आपके साथ साथ मेरा और मेरे शिष्यों का एकादशी व्रत भी पूरा होगा। संभव है प्रभु की इच्छा यही हो कि हम सब अपना व्रत एक साथ तोड़ें। ये तो अत्यधिक प्रसन्नता की बात है महर्षि। तो फिर ठीक है, हम सब यात्रा से थके हैं, व्रत तोड़ने से पहले हम स्नान करना चाहते हैं। जैसी आपकी इच्छा महर्षि, जब तक आप लोग लौटेंगे तब तक आपके सारे प्रबंध यहां हो चुके होंगे। महर्षि दुर्वासा स्नान करने गए थे, पर उन्हें लौटने में विलंब हो रहा था, और इधर द्वादशी पर व्रत पूरा करने का मुहूर्त बीता जा रहा था। महाराज अमरेश बड़ी विरगता के साथ महर्षि दुर्वासा के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज, व्रत तोड़ने का मुहूर्त बीता जा रहा है, बस कुछ ही समय बचा है। महर्षि और उनके शिष्यों के लौटने में न जाने कितना समय लग जाएगा। मेरा सुझाव है कि आप मुहूर्त समाप्त होने से पहले व्रत अवश्य तोड़ लें। गुरुदेव, हमने महर्षि दुर्वासा को वचन दिया है कि जब तक वो लौटेंगे नहीं तब तक हम व्रत नहीं तोड़ेंगे, इसीलिए मैं उनके लौटने के बाद ही भोजन ग्रहण करूंगा। पर महाराज, मुहूर्त यदि बीत गया और समय रहते हो नहीं आए तो महाराज आपका व्रत पूरा नहीं होगा। महाराज आपको उसका फल नहीं मिलेगा। महाराज, 12 एकादशियों का व्रत व्यर्थ चला जाएगा। किंतु गुरुदेव, यदि मैंने भोजन कर लिया तो ये तो अतिथियों का अपमान होगा। आप उचित कह रहे हैं महाराज, भोजन के लिए उनकी प्रतीक्षा अवश्य कीजिए महाराज, पर मुहूर्त रहते हुए एक तुलसी का पत्ता और जल ग्रहण कर लीजिए, इससे आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा और अतिथि का मान भी रह जाएगा। आपका सुझाव अच्छा है गुरुदेव। जैसे ही महाराज ने तुलसी का पत्ता खायो, वैसी महर्षि दुर्वासा लौट आए। महाराज, महाराज को उपास तोड़ते देखते बहुत क्रोधित हो गए। बहुत बड़े भक्त हैं आप, परंतु आप ये नहीं जानते अपने अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आपने हमें 7 भोजन करने का वचन दिया था, पर अपना व्रत क्यों तोड़ा आपने? महर्षि, मैंने भोजन नहीं ग्रहण किया।
कहीं मुहूर्त न निकल जाए, इस कारण मैंने एक तुलसी का पत्ता ग्रहण कर लिया। 56 भोग खाया हो या एक पत्ता, अपना व्रत तोड़कर अतिथियों का अपमान किया है, मेरा अपमान किया है। अब आपको दंड भोगना होगा ताकि आप सीख पाए कि अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। महर्षि, मैंने महर्षि, आप जो भी दंड मुझे देंगे मुझे स्वीकार है, किंतु आप क्रोधित मत होइए। क्रोध का कारण आपने दिया है महाराज। एक महर्षि का अपमान करके राक्षसी प्रवृत्ति का परिचय दिया है आपने, इसीलिए अब एक राक्षसी आपको दंड देगी। हे प्रभु, यदि मैंने सच में महर्षि का अपमान करने की भूल की हो तो मैं उसका परिणाम भोगने के लिए प्रस्तुत हूं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय नमः। महर्षि दुर्वासा को यह आभास ही नहीं था कि महाराज अम्बरीश ने उनका अपमान नहीं किया था, फिर भी उसे अपमान मान के वो श्री नारायण के भक्त पे संदेह कर रहे थे। मैंने भी तो भोला राम की भक्ति पे संदेह किया था। हे नारायण, ये क्या पाप हो गया मुझसे? संदेह किसी अपमान से कम ना हो तो, और भगवान सब सह सकते हैं, पर उनके प्रिय भक्तों का अपमान सहन ना कर सकते, इसीलिए उन्होंने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। ओम नमो नारायणाय। और फिर भगवान का उस सुदर्शन चक्र महर्षि दुर्वासा के पीछे पड़ गया। ये चक्र तो मेरी ओर बढ़ रहा है। ओम नमो नारायण। ये कैसे संभव हो सकता है? कोई रोको इसे, कोई रोको इसे। अपने प्राण कैसे तैसे बचाते बचाते महर्षि दुर्वासा ब्रह्मलोक जा पहुंचे। ब्रह्मदेव रक्षा कीजिए, ब्रह्मदेव सहायता कीजिए, मुझे बचाइए ब्रह्मदेव, रक्षा कीजिए, ये सुदर्शन चक्र मेरे प्राणों के पीछे पड़ गया है, मुझे बचाइए ब्रह्मदेव, मुझे बचाइए। महर्षि, मैं चाहकर भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में यदि कोई कुछ कर सकते हैं तो वो हैं सुदर्शन चक्र के स्वामी विष्णु, क्योंकि सृष्टि में केवल वही हैं जो इसे नियंत्रित कर सकते हैं, वो ही इसे वापस लौटने का आदेश देकर आपके प्राणों पर छाए हुए संकट को दूर कर सकते हैं। किंतु हां, मैं सुदर्शन चक्र से इतना अवश्य कहूंगा कि जब तक आप विष्णु लोक में पहुंच नहीं जाते वो आपको किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सदा ही जय हो। फिर क्या था? भागते
भागते माँ ऋषि दुर्वासा सीधे भगवान श्री हरि के शरण में बैकुंठ पहुंच गए। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, मुझे बचाइए, मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। मैं आपके इस चक्र और ऊर्जा से नहीं भाग सकता प्रभु, कृपया करके अपने सुदर्शन को रोकिए, इसे वापस लीजिए प्रभु। यह संभव है महर्षि, एक बार सुदर्शन चक्र मेरे हाथों से छूट जाए तो अपना उद्देश्य पूरा किए बिना, मेरे भक्तों की रक्षा किए बिना वापस नहीं लौटता। कोई तो उपाय होगा प्रभु, कृपया करके मेरे प्राण बचाइए प्रभु। मैं सुदर्शन की ऊर्जा से जलकर भस्म नहीं होना चाहता प्रभु, आप जो कहेंगे मैं करूंगा प्रभु, मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। एक उपाय है किंतु मुझे नहीं लगता कि आप वो कर पाएंगे। मैं अवश्य करूंगा, मैं अपनी प्राण रक्षा के लिए कुछ भी करूंगा प्रभु। आपने मेरे भक्त राजा अम्बरीश को भक्ति का कर्तव्य निभाने के लिए अपमानित और दंडित किया है महर्षि, पर भक्त की रक्षा करना भगवान का कर्तव्य है, इसलिए यदि आप भक्त राजा अम्बरीश के पास जाकर क्षमा याचना करें और यदि वो आपको क्षमा कर दे तो ही ये चक्र आपके प्राण लिए बिना लौट सकता है, अन्यथा आप तो जानते हैं महर्षि, मेरे भक्त का अपमान मेरा अपमान। भक्त का अपमान भगवान के अपमान से कम ना हो तो है। महर्षि दुर्वासा को भी ये बात समझ आई और फिर उन्होंने महाराज अमृत से क्षमा याचना की। महाराज 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 महाराज, मुझे क्षमा करें महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज। महर्षि, आप हमारे चरण छुए ये उचित नहीं। महाराज महाराज अम्बरीश, आप नारायण के सच्चे भक्त हैं, मैंने आपको अपमानित किया, दंडित करने का प्रयास किया महाराज, इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कीजिए महाराज, और इस सुदर्शन चक्र से मेरे प्राण बचाइए महाराज। हे महान सुदर्शन, यदि महर्षि के लिए मेरे हृदय में अभी भी वही सम्मान और प्रेम हो जो इनके प्रथम आगमन पे था, तो कृपया आप अपने धाम वापस लौट जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज अम्बरीश, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप देवराज इंद्र के समान शक्तिशाली हों, आपकी कीर्ति का पताका दसों दिशाओं में फहराए। मेरी बस एक ही इच्छा है महर्षि, कि मैं आपके साथ अपना उपवास तोड़ सकूं। अवश्य महाराज, हम सब भोजन आपके साथ करेंगे और अपने आप को नारायण की सेवा में अर्पित करके व्रत को पूरा करेंगे, क्योंकि आज जो यहां हुआ है उससे सिद्ध हो चुका है कि एकादशी व्रत का फल द्वादशी की सुबह भोजन करने से ही प्राप्त होता है। इस कथा से हमें पता चलता है कि सभी को द्वादशी के सुबह भर पेट भोजन करके एकादशी का व्रत पूरा करना चाहिए, और दूसरी बात, भगवान की सच्ची भक्ति अपमान कभी ना करना चाहिए, उनके साथ सदैव प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, यही भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। भैया भोला राम, मैंने भी श्री हरि पे तुम्हारे विश्वास का उपहास उड़ाया था, मुझे क्षमा कर दो। ना ना, आप क्षमा मांगकर मुझे लज्जित मत करो, आप तो मेरी बहन जैसी हैं। जब महर्षि दुर्वासा जैसे महान ऋषि को भी प्रभु के भक्त से क्षमा मांगनी पड़ी तो मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ। मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा ना लगा। पर पता है प्रभु को कौन सी बात कब बुरा रखता है? कौन सी बात? जब उनका भक्त भूखा रहे, मम्मी भी अपना व्रत पूरा ना करे, और जैसा कि आप सभी ने अभी 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 कथा से सीखो है, एकादशी के व्रत को द्वादशी की सुबह अवश्य पूरा करना चाहिए।
अब आप जाओ अपना व्रत पूरा करो। मैं आपके लिए जल लेके आती हूँ। यो खाओ। कान्हा, बोलो गागा, सिगरेट छुपा लो मुझे, मैया आ रही है, बहुत क्रोध में लगती है। आज तो बहुत दंड मिलेगा। अभी क्षण भर पहले तो ये साक्षात भगवान के रूप में बात कर रहे थे और अब अचानक ही ऐसे बालक बन गए जो मैया से दंड मिलने के भय से व्याकुल हैं। बोला काका, किस सोच में पड़ गए? तिगरे छुपा लो मुझे। जी, कान्हा को देखो है क्या? मैंने तो अपने प्रभु को देखा है। मैं अपने लल्ला को ढूंढ रही हूँ, उसे देखो है आपने? वही तो मैं भी कह रहा हूँ जसोदा रानी, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु को देखा है। जे तो अब भी अपनी भक्ति में ही खोया हुआ है, इससे पूछ के कछु लाभ ना है, मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। संकरी मौसी, कान्हा को देखो है क्या कहीं? बोला गंगा, मुझे शीघ्र निकालो ना यहाँ से, मैया फिर से इधर ही आ रही है। सब कहते थे श्री हरि मेरे घर ना आ सकते, देखो आज प्रभु आ गए, उन्होंने अपने हाथ से मेरा व्रत पूरा कराया। हाँ आते हैं और आगे भी आएंगे हमारे श्री हरि हमसे मिलने और आके मोक्ष देंगे, है ना? शीघ्र निकालो ना भोला काका, मैया आ रही है। मैं ना निकालूं? मेरा अर्थ है मैं निकालूंगा, अवश्य निकालूंगा, पर तब तक नहीं निकालूंगा जब तक आप मेरी सारी बातें मान नहीं लेते हैं। कौन सी बात? प्रभु मुझे मोक्ष प्रदान कर दीजिए। प्रभु ततास्तु। ना 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 प्रभु, मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी मोक्ष दे दीजिए। ततास्तु। अब तो निकाल दो, मैया देख लेंगी। ना प्रभु, मेरे परिवार के साथ मुझसे जुड़ी हुई हर वस्तु, जीव जंतु प्राणी, गाय बैल भैंस, सभी को मोक्ष प्रदान कर दीजिए प्रभु। तथास्तु। प्रभु आप सच में अद्भुत हैं, मैंने जो मांगा आपने बिना सोचे समझे सब प्रदान किया, मैं ही अपनी मांगे बढ़ाता रहा। प्रभु प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। आइए प्रभु। प्रभु
आप तो प्रभु हो, हरि हो, भगवान हो। आप चाहते तो इस मटके से स्वयं निकलकर बाहर आ सकते थे। फिर मेरी आपने हर इच्छा क्यों पूरी की? क्योंकि मेरे भक्त की इच्छा पूरी करने में मुझे भी प्रसन्नता मिलती है। ना तो मैं अपने भक्तों का अपमान सह सकता हूँ और ना ही उनकी इच्छा अधूरी रहने दे सकता हूँ। क्या कही थी तूने? हाँ, कि तू फिर से छल ना करे वो, फिर मुझे बिना बताए घर से बाहर कैसे निकलो? क्षमा करना मैया, पर जो आपने सिखाया था मैंने तो उसी का ही पालन करो है। फिर से चतुराई करो है ना? हाँ, आप ही ने तो कही थी ना, यदि कछु करने से किसी को हानि ना पहुंच रही हो या फिर किसी अच्छे कार्य में सहायता हो रही हो तो आज्ञा लेने की आवश्यकता ना होती। यदि तेरे कछु करने से किसी और की कोई हानि ना हो रही हो या किसी के अच्छे कार्य में सहायता हो रही हो तो मुझसे आज्ञा लेने की आवश्यकता ना है। तो किस अच्छे कार्य के लिए आया है यहाँ? एकादशी के सुबह एकादशी का व्रत खोल के भोजन करा जाता है। ये बात ना तो भूला काका को पता थी, ना संकरी मासी को, और ना ही किसी और को। और तुझे पता थी? हाँ, मेरी मैया ने बहुत अच्छे से सिखाया है मुझे। जैसे कल तूने एकादशी कथा सुनाई थी ना, आज वैसे ही तेरे लल्ला ने सबको द्वादशी कथा सुनाई है। सच्ची यशोदा रानी जी, इसने तो हमारी आंखें ही खोल दी। और भाभी, सच्ची तो ये है कि मुझे भी ना पता था कि जो इतना बड़ा ज्ञानी है और इतना अधिक समझदार। द्वादशी की कथा, वो तो मैंने इसे कभी सुनाई ही ना है, फिर इसे कैसे पता थी? रानी जी, जो स्वयं भगवान है भला उन्हें कैसे कुछ नहीं पता होगा। मैंने तो इन्हें पहचान लिया, और हाँ, आप सब लोग भी इन्हें अपने अंतर मन की आंखों से देखिए, हो सकता है इन्हें पहचान पाए। ये कोई और नहीं है, श्री नारायण है, मेरे श्री हरि, मेरे प्रभु। जय श्री हरि। बोला जिस रास्ते को मैंने इतनी कठिनाई से बचा के रखा था, सबके सामने उसे उजागर कर दिया तुमने। नारायण, प्रभु, प्रभु,
सरासर को इतने जतन से संभाल के रखा था, अरे वो सबके सामने खुल गया। और तो और मेरा भेद मैया को भी पता चल गया। बाबा सब कहते रहे पर मैंने एक न मानी। सबने कही थी कि आप भगवान है, पर मैं मूर्ख आपको पहचान ही ना पाई। कितनी अभागी हूं मैं। जिस मुंह से मुझे आपकी महिमा गानी चाहिए थी, उसी मुंह से मैंने आपको डांटो है। जिन हाथों से मुझे आपके चरण छूने चाहिए थे, उन हाथों से मैंने आपके कान पकड़े। मुझे तो आपकी सेवा करनी चाहिए थी प्रभु, और मैंने मैंने आपको दंड दियो, आपको घर से बांध दियो। बावली हो गई थी प्रभु, अपने श्री नारायण को, अपने प्रभु को एक साधारण सा बालक समझ लियो मैंने। मैं आपके लिए भगवान नहीं हूँ मैया, साधारण बालक ही हूँ, बस आपका लल्ला। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, भूल पर भूल करती चली गई। आज भी आपके पीछे पीछे छड़ी लेकर तोड़े चले आए। अपने आपको दोष मत दो मैया, आपके ममता के लिए तो जन्म लिया है मैंने। हमारा मन बदलने मत दो, मेरे लिए वही पुरानी भैया बनी रहो आप, और मुझे रहने दो आपका वही नटखट लल्ला। मुझे चमा कर दो प्रभु, मुझे चमा कर दो। बाबा ये कैसा अंत हो गया आज? मैया तो मुझे भगवान मानने लगी, पर मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अभी नहीं बाबा, इतनी शीघ्र नहीं। आप ऐसे खड़े क्यों बाबा? कुछ ऐसा करो ना कि मैया फिर से मेरे मैया बन जाए। उनकी दृष्टि में भक्ति नहीं, ममता चाहिए मुझे। कानम, मेरे सामर्थ्य में हो तो अपने छोटे भाई की सहायता करो ना, जिससे मैया सब कुछ भूल जाए। मैं क्या कर सकता हूँ काना? कोई तो सहायता करो मेरी। अपने आप को संभालिए प्रभु। देखो ये क्या हो गया, भैया को सब पता चल गया। अभी तो मुझे मैया की ममता का सोप पूरी तरह हिला ही नहीं था योग माया। मेरी सहायता करो ना। कितनी अद्भुत है ममता की शक्ति। भगवान को भी एक साधारण बालक बना देती है। बालक की बना रहना चाहता हूँ मैं, नहीं चाहता दिव्य होना, नहीं चाहता भगवान बनना। बस मैया की गोद में रहकर ममता के रस से सेम को भी घनो जाता हूँ। इनकी डांट फटकार का दुख पाना चाहता हूँ। कुछ भी करे योग माया, पर इन सबको भुला दो मेरा सत्य।
पर इन्हें तो मोक्ष का वरदान मिल गया है प्रभु, इसलिए इनके लिए समय की गति को लौटा पाना संभव नहीं होगा। प्रभु अब मुझे ये सब भूलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझसे जो त्रुटि हुई है अब वो दोबारा कभी नहीं होगी, और आज के बाद आपका ये सत्य मैं किसी को नहीं बताऊंगा प्रभु, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि आपका यशोमती मैया के लल्ला बने रहना कितना आवश्यक है। पहले चुपके से भाग जातो है, फिर स्वयं ही छड़ी में पकड़ा रो है? नटखट कहीं का, हंसी आ रही है? अरे किस बात पे इतनी हंसी आ रही है रे? हाँ? आपकी लीला अद्भुत है प्रभु, और अद्भुत है आपका मैया के प्रति प्रेम। हंसी ना है मैया, ये तो प्रसन्नता है, अपने मैया से मिल जाने की प्रसन्नता। अच्छा, ढूंढ मैं तुझे रही हूँ और तू कह रहे हो कि मैं मिल गई तुझे, तो घर चल लल्ला, अच्छे से पिटाई करूंगी तेरी। से गाल लाल होंगे ना तेरे, तब हंसी बंद होगी तेरी।